वाहिगुरू साहिब जी। नास्तक नीच निंदक अपराधी, भूसुर सर्वद्रोहे अपदर्शन, ताहे विलोकत धर्म पलावत, तप व्रत जग पुण्य नस टरसन। नास्तक नीच निंदक अपराधी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह धन धन कलगीधर जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की अपार कृपा दे नाल आपां सारे ही गुरमत उद्याला कैरों विखे बैठ करके सच्चे पातशाह जी की पावन वडियाई सरवण करके लाह प्राप्त करते पे हाँ। धन धन सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह जी। इस तो पहला अकाल पुरख परमेशर ने दुनिया के उपर भेजे अते उन्होंने आपो अपने धर्म चलाए। सच्चे पातशाह जी उन्हां दी गिणती करके आप संगतां नूं दसदे पए ने। गुरु नानक देव पातशाह जी जगत दे उपर आप अकाल पुरख परमेशर जी अवतार धार के आए अते फिर दुनिया दे लोकां नूं सिद्धे मार्ग ते पाया, सच्चा नाम जपाया अते दसवें जामे विच खालसा जिवें प्रगट होया। महाराज कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी, वह सारा ही पावन इतिहास सरबलो प्रकाश ग्रंथ दे विच आप संगतां नूं सरवण करवाउंदे पए ने। मनां दीआं विरतियां नूं एकाग्र चित करिए। सच्चे पातशाह साहिब सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, तिनां दे पावन चरणा कमलां दा ध्यान धारिए। सुरतियां नूं करिए एकाग्र चित, उचारण करिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। नास्तक नीच निंदक अपराधी। महाराज कलगीधर जी कहंदे फिर दुनिया दे उपर नास्तक होए ने, नीच लोग ने, निंदक निंदिया करन वाले ने, ते अपराधी पाप करन वाले ने। इन्हां पापियां ने, निंदकां ने, इन्हां ने भी अकाल पुरख परमेश्वर दे सच्चे मार्ग की पछाण नहीं कीती, सगों आपो अपने व्यवहारां विच उलझे रहे ने। कोई निंदिया दे विच, कोई नीच पुने दे विच, किसे ने आस्था ही नहीं रखी अकाल पुरख परमेश्वर दे विच। भूसर सर्व द्रोहे अप दर्शन। सच्चे पातशाह जी कहंदे दुनिया दे उपर भूसर ब्राह्मणा नूं कहंदे ने। गुरु खालसा जी ब्राह्मण कहंदे ने देवता मंत्र दे अधीन है ते मंत्र ब्राह्मण दे अधीन है। इस वास्ते दुनिया दे उपर जे कोई देवता है धरती दे उपर वह ब्राह्मण ही है। इस तरह ब्राह्मण अपने आप नूं गुरु खालसा जी देवते अखवाउंदे ने। तो भूसुर सर्वद्रोही जिहड़े ब्राह्मण होए ने अते सर्वद्रोही सारिआं दे नाल वैर करन वाले दैंत जिहड़े होए ने, अप दर्शन जिन्हां दा दर्शन करना ही आप बुरा है, ऐसे जिहड़े पापी लोग ने, दैंत लोग ने अते अपनी होड विच फसे होए ब्राह्मण लोग ने, ये सारे ही अकाल पुरख परमेश्वर दे मार्ग तो भिन्न ही रहे हन। ताहि विलोकत धर्म पलावत। सच्चे पातशाह जी कहंदे इन्हां नूं वेखदिआं सार ही धर्म पंख ला के भज जांदा है, उड जांदा है। इन्ने दुनिया के उपर दैंत जिहड़े सारिआं नाल वैर करदे, ऐसे अपराधी निंदक नीच ने जिन्हां नूं वेख करके धर्म भज जांदा है, ऐसे जिहड़े अधर्मी लोग ने
ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਪ ਬ੍ਰਤ ਜਗ ਪੁੰਨ ਨਸ ਤਰਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤਪ ਬ੍ਰਤ ਜਗ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਰਸਨ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨਦਾਈ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਮਤ ਆਸਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਚੁਰ ਬਹੁ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਦੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਤ ਹੈ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੁਰ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਫੈਲਿਆ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾ ਭਾਵ ਜਰਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਮਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਤ ਦੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜਰਸਨ ਮੈਨੇ ਸੜ ਗਏ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੜਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾ ਭਾਵ ਜਰਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਆਸੁਰੀ ਮਤ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਬੜਵੰਨ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਸਨ ਸੜਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਬਾਵੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਨਸ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਵ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਬੜਵਾਂ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਹੈ ਉਸ ਬੜਵਾ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਹਨ। ਭੂੰਡੀ ਮਤ ਉਂਦੀ ਆਚਾਰਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂੰਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਮਤ ਹੈ, ਉਂਦੀ ਮੈਨੇ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਨ ਹੈ। ਐਸੇ ਇਹ ਵਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਐਸੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਤੱਬ ਵਾਲੇ ਨੀਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਨਰਕ ਪਰਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੇ ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਨਰਕੋ ਪਰਸਨ, ਇਹ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਮਤ ਤੇ ਉਲਟਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕੰਠਨ ਕੰਠ ਕਾਠ ਕੀ ਮੇਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੰਠਨ ਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਠ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੇ ਕਾਠ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗੀ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਤਿਲਕ ਛਾਪ ਬਹੁ ਲਾਵਤ। ਹਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕਾਂ ਦੇ ਛਾਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਪਾਹਨ ਮੈਂ ਸਭ ਉਰਜੇ। ਹਾਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਮੈਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹੋ ਨਾਹਿਨ ਪਾਵਤ। ਹਾਂ, ਜੋ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਅਪਰ ਅਵਰ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਦੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਤ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮਤ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਅਰਬ ਸਮੂਹ ਮਲੇਸ਼ ਸਦਭਾਵਤ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ ਸਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੇਸ਼ ਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਲ ਇੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੀ ਅਵਰ ਹੈ ਰੀਤ ਪਰਾਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਵਰ ਹੋਰ ਹੀ ਰੀਤੀ ਉਪਰਾਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
तेहे तत्ते नूं सिहारी तिहाहे दे उपर चांद बिंदु पुरातन बीड़ां विच लगा होया ई। लिंग रहत गोद्रोह परमावत सच्चे पातशाह जी कहंदे ए लिंग तो बिना है। सुन करदे ने ते गोद्रोह गऊआं दे नाल ही वैर करदे ने ते ऐसा इन्हां दा मत है। परमावत इन्हां च मन्नी जांदी है, गऊ दी हत्या अति उत्तम करके मन्नी जांदी है। गुरु खालसा जी हिंदू गऊ नूं माता करके मन्नदे ने ते सिखां दे विच गऊ नूं गरीब जाण करके उहदी सहायता कीती जांदी है, क्योंकि गुरु खालसा जी जिहड़ा सिख धर्म है ये गरीब ते नमाणे दा यार है। जिथे अत्याचार होवे गुरु का खालसा अत्याचार नूं रोक करके गरीब की सहायता करता है ते जालम दे नाल युद्ध मचाउंदा है। 125,000 गऊआं नूं पकड़ करके दैंत मारन लगे सन, तिन्हां दी सहायता करन वास्ते असकेत पुरख महाकाल जी प्रगट होए, जिन्हां दा जिक्र गुरु खालसा जी चौपाई साहब तो पहला महाकाल की जे सरन परे सो लए बचाए, और ना उपजा दूसर जग भच्यो सबै बनाए, ऐसा 10वें पातशाह जी ने किया है। गुरु खालसा जी गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच भी सच्चे पातशाह जी दे बोल ने, ब्राह्मण कैली घात कंज का अनचारी का तहान, फिटक फिटका कोट बदिया सदा सदा अभमान। ब्राह्मणा दे उपर जोर करते सन, किसी तुरक ने थुकना हुंदा सी ते ब्राह्मण नूं कहंदे तू मूँह अड, ते ब्राह्मण दे मूँह विच थुकदे सन। गुरु खालसा जी गऊआं नूं मारदे सन, तुरक कहंदे सन असां ने सुआब कीता है। इसे तरह गर्भ विच लड़कियां नूं मारदे सन, जमदियां धीआं नूं मारदे सन, ते गुरु खालसा जी लोकां दा जीवन चंगा नहीं सी। महाराज सच्चे पातशाह जी ने लिखिया किसी ब्राह्मण नूं मारना, कैली गऊ नूं मारना, कंजका धी नूं मारना, ते अनचारी जागी रहत ना जानी है। गुरमंत्र नहीं चीत, भोजन ताका खाइया बिसरै हर सो प्रीत। जिन्हों गुरमंत्र चेते नहीं है, जिहदी रहत बहत नहीं है, उहदे हत्थों भोजन खा लईए ते गुरु खालसा जी वाहिगुरु दे नालों प्रीति जिहड़ी है ना उह टुट जांदी है। महाराज साहब जी कहंदे जिहड़ा इह चार कर्म करदा है, बजर पाप करदा है, उहदे दुर फिटे मोह, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਗਊ ਘਾਤ ਕਾ ਦੁੱਖ ਜਗ ਸਿਉ ਮਿਟਾਉ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਭਗਵਤੀ ਸ਼ਕਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗਊਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਵਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੰਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਤ ਭੁੰਡੀ ਤਿੰਨ ਕ੍ਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਮਤ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੁੰਡੀ ਕਹੀਏ ਉਲਟੀ ਹੀ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੁੱਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਅਪਰ ਦ੍ਰਿੜਾਵਤ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਹੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜਾਵਤ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੋ ਕਠੋਰ ਤਰੀਕਤ ਤੁਰਕਾ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੀਕਤ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਤਰੀਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ, ਮਾਰਫਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੋ ਤਰੀਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਰੀਕਤ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕਤ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਰਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
मुसलमान मोम दिल हो गए। मुसलमान वो है जिदा दिल बड़ा मोम वर्गा होवे। सो सच्चे पातशाह जी कहंदे इह ते मन नूं कठोर करके रख दे, ते जिहदा मन कठोर है, मन तों कठोर है, उहनूं कहंदे ने भी इह तरीकत दीआं हदीसां पढ़िया होया तुरक है, मुसलमान है। हज काबे मह हर ठहरावत, हज कहंदे ने यात्रा नूं, काबे दी यात्रा दे विच ये हरी नूं ठहराउंदे ने। कहंदे जिन्हें काबे दी यात्रा कर ली उन्हें हरी नूं खुदा नूं मिल लिया, ते काबे खुदा बैठा है, खुदा दे लई यात्रा करनी है, उहदे नाल मिलाप करना है, ऐसा इन्हां विच मन्निया जांदा है। रोजा बांग निवाज मुसल्ला, सच्चे पातशाह जी कहंदे बांगा दिंदे ने उच्ची दिनी अल्लाहू अकबर ऐसे नारे दिंदे ने, ते इसे तरह फेरे नवाज नाम नमाजा पढ़ते ने, ते मुसल्ला मुसल्ला बिछाते ने, पहला उपर बैठ के नमाज पढ़ते ने, पहला बांग देंदे ने कि नमाज का वक्त हो गया है, ती रोजे रखते ने, इसे तरह बांगा देंदे ने, इसे तरह नमाजा पढ़ते ने, मुसल्ले बिछाते ने, ऐसा इन्हां दे धर्म का कानून कायदा है। कलगीधर जी कहंदे हन कपट दंभ अंतर अदमावत, सच्चे पातशाह जी कहंदे अंतर इन्हां दे हिरदे विच कपट है, दंभ है, अदमावत नीचताई है, नीचताई दे नाल ये भरे हुए हैं, कसमा खा करके भी ये मुकर जांदे हैं। आत्मघात करत नित उठते, सच्चे पातशाह जी कहंदे नेताई जदों उठते ने उदों ये आत्मघात करते, अपने लिए जीवां नूं मार दे दे, कहंदे ऐ जे असी जीव मार दिता ते खुदा साडे उपर खुश होवेगा, आत्म अपने लिए ते जीवां नूं घात मारना करदे ने, इस तरीके दे नाल ये जोर करदे ने। कबीर साहब जी ने लिखा कबीर जोर किया सो जुल्म है, ले जवाब खुदाए दफ्तर लेखा नीक सह, मार मोह मोह खाए। कहंदे ने जिहड़ा जोर करदा है ना किसे उपर वो वड्डा जुल्म है। गुरु खालसा जी हिंदुआं दे विच इक रीति सी, वो आदि शक्ति दे दरबार विच जा करके ते फिर स्तोत्र पढ़दे सन आदि शक्ति दे, ते उत्थे वो बकरे आदिक दा झटका करदे सन गुरु खालसा जी, ते तुरकां ने उस वक्त शाही परवाना ऐलान दिता औरंगजेब दे वक्त कि किसे ने झटका करना है तो वह झटका नहीं कर सकता, कोई आदि शक्ति की स्तुति नहीं पढ़ सकता, स्तोत्र नहीं गा सकता, जे किसे ने मांस आदि खाना है तो वह कलमा पढ़ करके मांस तैयार करे तो उन्हें छक लवे। गुरु खालसा जी जिहड़े राजपूत सन वह बड़े तंग आ गए, क्योंकि राजस्थान दे विच जिहड़े राजपूत वसदे सन वह झटके करदे सन। कलगीधर दे दरबार विच आ के उन्होंने अरदास कीती, बेनती कीती, सच्चे पातशाह जी साडा धर्म बचाओ, साडे नामां दे पिछे सिंह लगदा है, सानू सिंह नहीं नाम दे पिछे हकूमत लाउण दिंदी, सानू घोड़े ते नहीं चढ़न दिता जांदा। पहले समयां विच जिहड़े राजपूत सानू दाड़ी भी रखदे सन, सिर भी रखदे सन, ना सानू दाड़ा ते ना सिर दे वाल रखण दिंदे ने, ना पग्गां बन्नण दिंदे ने, ना पौजां रखण दिंदे ने। महाराज कलगीधर जी कहण लगे तलवार शमशीर चुक करके तुहाडा धर्म बचाउणा है, आओ सारे उठिए, गलां तो जो गुलामी दियां जंजीरां ऐ इन्हां नूं उतारिए। सच्चे पातशाह जी ने रंजीत नगारा निशान नाम दे पिछे सिंह घोड़े ते चढ़ना, फौजां रखनियां, शिकार खेलने, ये सारे ही कर्म कीते, ते क्या इन्हां ते जोर करदे हो, जे तुहाडे विच दम है तां गुरु गोबिंद सिंह साहिब नूं रोक के दसो। अपने नाम दे नाल सच्चे पातशाह ने पातशाह भी लिखवाया। गुरु खालसा जी
सिख पंथ दे विच मर्यादा चली। फिर गुरु खालसा जी जदों जंगा दा बिखड़ा समा आया, गुरु के सिंह जंगलां विच रहे, उस वक्त शिकार खेड खेड के ते गुरु खालसा जी धर्म नूं बचाउण लई ते अपने जीवन वास्ते गुरु के सिंह मां सादिक छकदे रहे हन। अपने जबान दे स्वाद वास्ते किसी ने नहीं छकिया, ना किसे जीव दे उपर जोर कीता है। गुरु खालसा जी अज भी यह सवाल बड़ा उठता है कि मास खा लेना चाहिदा है कि नहीं खा लेना चाहिदा। पुरातन मर्यादा नूं सुरजीत रखन लई अते जंगां दे बिखड़े समें विच जे कोई छकदा है ते गुरु खालसा जी योग है, जे कोई अपनी जबान दे स्वाद लई छकदा है, जिवें डॉक्टर आदि कह दिंदे ने जी मास खाओ तां तुसीं बचोगे, मास आदि खा करके जे अपना जीवन लेना है ते कादा जीवन है, दूजे का जीवन तो गुरु खालसा जी नष्ट कर दिता। यह गुरु खालसा जी सिख धर्म के अयोग्य है, यह गल योग नहीं है। अपनी जबान के स्वाद वास्ते जो छकना है तो छकन का उपदेश देना है। सो पुरातन मर्यादा सुरजीत रखने लई युद्ध के बिखड़े समय में सिंह छकते आए ने, हुण भी छकते ने, अगे भी छकते रहनगे, क्योंकि गुरु खालसा जी ये पंथ की एक मर्यादा चली आ रही है। सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जिहड़े खुदा की खुशी वास्ते नेताई दूजियां नूं मारदे ने कि खुदा साडे ते खुश हो जावे, खुदा इदां किदां खुश होवेगा, जे उहदी बनाई हुई कायनात नूं मारांगे खुदा की कदे भी खुशी नहीं होवेगी। मुर्ग भेड़ बिस्मिल कर कहावत, हाँ मुर्गियां मारदे ने, भेड़ा मारदे ने, ऊठ मारदे ने, बकरीद बकरियां नूं हलाल करदे ने, ते बिस्मिल कहंदे ने असां ने बिस्मिल्ला कर दिता। गुरु खालसा जी जिवें सिख धर्म दे विच मूल मंत्र है, इसे तरीके नाल इस्लाम दी एक तुक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए हरेक आयत दे शुरू विच आउंदी है, हरेक हदीस दे शुरू विच ये मंत्र आउंदा है, ये इस्लाम दे विच मूल मंत्र दी न्याई है। तो जदों गुरु खालसा जी ओ कलमा पढ़ना शुरू करते ने, कहंदे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा रहीम ते करीम है, ते इदां कह के छुरी फेरते ने, नाल कलामा पढ़ते ने, कलमा पढ़ते ने, ते बिस्मिल्ला कह करके जीवां नूं मारदे हन खुदा दी खुशी वास्ते। ईद बकरीद उस्तासव कहावत, सच्चे पातशाह जी कहंदे जदों ईद दा मौका आउंदा है ते फिर इसे तरह बकरीद का मौका आता है, ईद के मौके दे उपर आपस में मेल जोल करते हैं, बकरीद के मौके दे उपर बकरे ते उष्ट नाम ऊंट का है, असव नाम घोड़े का है, उष्ट असव ऊंट के घोड़े आदिक मारते हैं खुदा की खुशी लैन वास्ते। तां कहो कहत स्वाब हम किया, स्वाब कहंदे ने पुन नूं, फिर कहंदे ने ऊंट घोड़े बकरे आदिक नूं मार करके, ते कहंदे ने असां ने बड़ा पुन दा काम कीता है, खुदा दी साडे उपर बड़ी खुशी होवेगी। ऐसे समझ विपरीत मत होछी, महाराज कलगीधर जी कहंदे ऐसी इन्हां दी समझ है, विपरीत उल्टी इन्हां दी मर्यादा है, इन्हां दी होछी मत है, टिकाने दी मत नहीं। मस्जिद द्वार घात कर जिया, सच्चे पातशाह जी कहंदे देखो मस्जिद जिथे खुदा दा नाम जपीदा है ओहदे दरवाजे अगे जा करके जीवां दा घात करदे ने, जोर दे नाल जीवां नूं मारदे हन। दिन ते कहै परमात्मा राजी, कहंदे दसो उन्हां तो परमात्मा किवें राजी हो जावे, तिन ते कहो दसो तिन्हां तो परमात्मा किवें राजी हो जावेगा, परमात्मा उन्हां तो राजी नहीं होवेगा। तिन ते कहो परमात्मा राजी, हाँ कहो मैंने दसो, महाराज कलगीधर जी कहंदे दसो उन्हां तो परमात्मा किवें राजी हो जावेगा,
उन्हां तो परमात्मा राजी नहीं होगा, सगों खुदा दी उन्हां दे उपर प्रकोपी होगी। आत्म घात द्रोह जिन किया, हां आत्म कहिए अपने उत्ते खुदा दी खुशी लैन वास्ते जिन्हां ने जीवां नूं घात मारना किया है, जिन्हां ने जीवां दे नाल द्रोह वैर करना किया है, छल करना किया, अवगुण करना किया है, जिन जिन्हां ने उन्हां दे खुदा दी खुशी किवें होवेगी। ते भी प्रवते कुत्ते मूड़ा, सज्जे पातशाह जी कहंदे ओ भी खुदा वल्लों कुत्ते ही ने, मूड़ा मूर्ख ही ने, उन्हां दे उपर भी खुदा दी कोई खुशी नहीं हुंदी। कर कर हूड़ खुआर पए मियां, सज्जे पातशाह जी कहंदे हूड़ां कर करके खुदा वल्लों ते ओ खुआर ही होए ने, ते अपने आप नूं मियां आखवांदे ने। ਮੰਮੀ ਬਿਹਾਰੀ ਪੂਰੇ ਜਈਏ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਵ ਦੈਤ ਦਾਨਵ ਅਸੁਰਾਦਿਕ, ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੈਂਤ ਦਾਨਵ ਦੰਤ ਆਦਿਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਕਸ਼ ਜਛ ਗੰਧਰਵ ਸਿੱਧ ਚਾਰਨ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਕਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜਛ ਗੰਧਰਵ ਸਿੱਧ ਤੇ ਚਾਰਨ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਮ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਹਿ ਕਾਲ ਕੇ ਅੰਗ, ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਮ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਸਤ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੋਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਲ ਕੇ ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਸੁਰ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਵਾਤ ਕਵਚ ਇਤਿਆਦ ਵਿਚਾਰਨ, ਤੇ ਨਿਵਾਤ ਕਵਚ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰਾਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਭਾਰੀ ਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਈਆ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਭੀ ਵਿਰੋਧ ਬਾਦ ਨੂੰ ਰੁੱਧੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧਵਾਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਧੇ ਮੈਨੇ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ। ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਅਪਵਾਦਨ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਪਵਾਦਨ ਮੈਨੇ ਨੀਵੇਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਐਸੇ ਆਪ ਕਹੀਏ ਨੀਵੇਂ ਬਾਦਨ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਨੀਵੇਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹੇ। ਸਵਰਗ ਪਤਾਲ ਭੂਮ ਕੋ ਝਗੜਾ, ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਪਤਾਲ ਤੇ ਭੂਮ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਝਗੜਾ, ਕਦੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਦੈਂਤ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਝਗੜਤ ਬੈਸ ਬੀਤ ਗਉ ਰਾਰਨ, ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਰਨ ਨਾਮ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਰਨ ਮੈਨੇ ਝਗੜਾ ਤੇ ਝਗੜਤ ਮੈਨੇ ਝਗੜਦਿਆਂ ਹੀ, ਬੈਸ ਮੈਨੇ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗੋ ਮੈਨੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਲਨ ਮੁੱਚ ਬ੍ਰਿਤ ਵਈ ਰੋਚਨ, ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੰਤਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 52 ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਛਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਮੁੱਚ ਦੈਂਤ ਹੋਇਆ ਏ, ਬ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਿਤਾਸੁਰ ਦੈਂਤ ਹੋਇਆ ਏ, ਬਈ ਰੋਚਨ ਦੈਂਤ ਹੋਇਆ ਏ, ਇਹ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਹਿਰਨਾਕਸ਼ਸ ਹਿਰਨ ਕਸ਼ਯਪ ਮਹਿਰਾਵਨ, ਇਹ ਮਹਿਰਾਵਨ ਮਹਾਰਾਵਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੋਇਆ ਏ, ਹਿਰਨ ਕਸ਼ਯਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ ਤੇ ਹਿਰਨ ਕਸ਼ਯਪ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ,
अकाल पुरख परमेश्वर ने मद माहिख तुमराश चंड मुंड फिर चंड ते मुंड तुमराश ते महखासुर ते मधु ते कैटब ए बड़े बड़े दैत हुए हन रक्त बीज रक्तक्षक रावण फिर रावण होया है रक्तक्षक होया है फिर रक्त बीज होया है नाम ते रक्तक्षक ते अर्थ वेले रक्त शक उदा गुरु खालसा जी संग्या ते रक्त शक दी है जिहड़ा खून शकदा सी तो चाल दे नाल इहनू रक्तक्षक संप्रदावां दे विच कह दिंदे हन चिच्छर सुंब निसुंब मेघनाद फिर चिच्छर होया है सुंब ते निसुंब आदि शक्ति नाल जूझे ने फिर मेघनाद ए रावण दे मदई हुए हन मकराच अछै घट श्रावण घट श्रावण गुरु खालसा जी कुंभ करण दा नाम है श्रावण नाम करण दा है ते घट नाम कुंभ दा है ए कुंभ करण ते अछै इन्हां नूं कोई खत्म नहीं सी कर सकदा ते मकराश गुरु खालसा जी मगरमच्छ दीआं अखां वर्गीआं इहदीआं अखां सन रावण दा सरदार ते खर दा पुत्र ऐसा ये दैत दुनिया दे उपर होया है बानासुर कंस केस चांडूरं फिर बानासुर होया है कंस दैत फिर ओदे मदई केसी ते चंडूर होए हन मुष्टिक रनका भौम भयावन फिर मुष्टिक ते रनका ते भौम मैंने धरती दे उपर भयावन मैंने भयानक ये दैत होए हन भौम एक राक्षसी दा नाम भी है ते भयावन भयानक जेड़े रनका भौम ते इस तरह मुष्टक इत्यादि दैत होए हन पार ब्रह्म के पाद ते इतर है सज्जे पातशाह जी कहंदे ने ए अकाल पुरख परमेश्वर दे चरणा तो इधर ही रहे ने अकाल पुरख परमेश्वर दे चरणा नाल ना ते आप जुड़े ते ना इन्हां ने होर किसे नूं जोड़ना कीता है अकाल पुरख परमेश्वर तो वखरे ही रहे ने जुदा ही रहे हन उर्ज परे प्रपंच असारन सज्जे पातशाह जी कहंदे ने असारन मैंने झूठे ही झूठिया ही प्रपंच झगड़िया दे विच प्रपंच वला शलांद करके असारन झूठिया ही ए उलझ उलझ के पैंदे रहे उलझदे रहे अकाल पुरख दे चरणा तो इधर हो के झूठिया प्रपंचा विच उलझ उलझ के पैंदे रहे भाव मरदे रहे डिगदे रहे अकाल पुरख परमेश्वर दा ध्यान नहीं इन्हां विचों किसे ने भी धारना कीता रहाओ इक तुका हाँ ये जो गुरु खालसा जी छंद गति दे नाल चार तुकां आईयां ने पिछे देखो छंद आ रहा है चार चार तुकां चलियां आ रहियां ये जिहड़ी इक तुक आई ये रहाओ दी वक्री आई है इहदे विच पंज ने चार तुकां छंद गति नाल है ते एक तुक जिहड़ी पार ब्रह्म के पद ते इतर है ये रहाओ दी तुक है ये जिन्ना भी गुरु खालसा जी खालसा प्रकाश का प्रसंग चलिया है जिन्हें भी नाम आए ने उन्हां सारिआं दा सिद्धांत ये है ये जिन्हें भी हुए ने ये सारे अकाल पुरख परमेश्वर दे पद चरणा तो इधर ही रहे ये सिद्धांत दी एक तुक महाराज साहब जी ने लिखी है बिशन पाद पुन्याकी पुन्याकी इत्थे जइया अद्धा है महाराज कलगीधर जी कृपा करदे ने सवैया सवैया वावे दे उपर अधिक है सच्चे पातशाह जी सवैया उचारण करदे पए हन सवैये छंद विच अगे महाराज साहब जी उपदेश बख्शदे पए हन इंद्र कुबेर वर्ण धर्म देव सच्चे पातशाह जी कहंदे दुनिया ते इंद्र इंद्र राजा होया ये देवतियां दा फिर कुबेर खजानची होया है फिर वर्ण देवता है फिर धर्म राजा है जो दुनिया दे उपर पाप पुन्ना दा न्याय करदा है फिर होर जिहड़े देव देवते होए हन 33 करोड़ देवते ने 9 करोड़ देवियां हन देवी अहं मम उरजाने सच्चे पातशाह जी कहंदे ओ भी मैं मेरी विच ही उलझे रहे अहं मैंने मैं ते ममंग मैंने मेरी ओ मैं मेरी दे विच ही उलझे रहे अपने आप दे विच ही गुलदान होए रहे
आपो अपनियां शक्तियां दा प्रदर्शन करते रहे। अकाल पुरख परमेश्वर के चरणों का ध्यान नहीं धार सकिया कोई भी, अकाल पुरख परमेश्वर की पदवी नूं कोई प्राप्त नहीं कर सकिया, अकाल दा सच्चा नाम ते सच्चा राह नहीं कोई विखा सकिया। राजस मद अर श्री मद मते सच्चे पातशाह जी कहिंदे किसे नूं राज दा अपमान होया रिहा, किसे नूं माया दा अपमान होया रिहा। मादमें ने अपमान, कईआं नूं इह अपमान रिहा भी मैं राज भाग ते बैठा हाँ। राज दा सरूर बड़ा हुंदा है, तां ही कहा है ना तपो राज ते राजो नर। तप कीतियां राज की प्राप्ति होंदी है, राज कीतियां अपमान आउंदा है। अपमान आने करके कई उल्टे काम हो जाते हैं, फिर नरकां की प्राप्ति होंदी है। इसलिए सच्चे पातशाह जी कहंदे कई बार इंद्र राज तख्ते ते बैठा ते कई बार डिगा। इंद्र गुरु खालसा जी एक तख्ता है जिहदे उपर देवत्यां दा सरदार बैठता है। ब्रह्मे दा एक दिन उन्हूं कल्प कहंदे ने, एक कल्प दे विच गुरु खालसा जी 14 बंदे इंद्र दे तख्ते उपर बैठदे हन, भाव इंद्र बनदे ने, बदलते रहिंदे ने। जदों अपमान आउंदा है थले डिग पैंदे ने। एक गुरु खालसा जी नोखा राजा होया है, वह इंद्र दे राज तख्ते ते बैठना सी ते पलंगे उपर सजिया, ते जिहड़े ऋषि सन जिन्हां दा माण ते सत्कार करदे ने देवते, उहनां नूं पलंगा चुकाया सी ते उहनां नूं कहे सर्प चलो सर्प चलो नाल सोटियां मारे। ते सर्प दा अर्थ गुरु खालसा जी छेती हुंदा है, छेती चलो छेती चलो। ते ऋषियां ने समझिया भी सानूं सप कहिंदा है, निखिध कहिंदा है। ते एक ऋषि दे सुभाव की मूंह वचन निकलिया, बड़ा फुंकारे मारदा सर्प सर्प करदा जा धरती ते जाके सर्प मान। इन्ना कहने मात्री स्वर्गां तों डिग पिया, सप बन के अदम कीड़ा बन के गुरु खालसा जी फुंकारे मारन लग पिया सी। तां ही सच्चे पातशाह कहंदे गर्भ बुरा नरक का द्वारा तां ते बच कर चलिए। हंकार बुरा है, नरकां दा द्वारा है, इसलिए इहदे तों बच करके रहना चाहिए। सो सच्चे पातशाह जी कहंदे कईआं नूं राज दा अपमान है, कईआं नूं धन दा अपमान है। धन वी बोलदा है, सिर चढ़ के बोलदा है। तो सच्चे पातशाह जी कहंदे इहदे विच ही मस्त होए रहे। मैं मेरी करते बंधाने, गुरु गरीब नवाज कहंदे मैं मेरी करदिआं ही बंधाने बजे रहे। जन्म मरण दे रस्से नाल, जन्म मरण दी फाई दे विच बजे रहे, मैं मेरी करदे हुए ही। प्रभता पाए भए मद मते, सच्चे पातशाह जी कहंदे प्रभता वडियाई नूं पा के किन्नू मान नहीं आउंदा, सारिआं नूं आ जांदा है। वड्याई नूं पा करके ते मद अहंकार दे विच मते मस्त होए रहे, फुंकारे मारदे रहे सप वांगू। मत्सर कर माया लपटाने, हां ईरखा कर करके ते माया कहिए छल कपट दे नाल ही लंपट होए रहे, चुंबड़े रहे, छल दे विच ही लपाए मान होए रहे। काल पुरख ते इतर होत पे, महाराज कलगीधर जी कहंदे अकाल पुरख तो ये सारे ही इतर इधर होए रहे। ईड़ी सियारी तत्ता ते रारा इतर, अकाल पुरख परमेश्वर तो सारे ही इधर होए रहे हन। अर्ध उर्द महते गल ताने, सच्चे पातशाह जी कहंदे ने अर्ध नाम हेठां दा है ते उर्द नाम उपर दा है। कदे उपर चले गए तप करके स्वर्गां नूं, ते कई वार नीच ताइयां करके अर्ध हेठां डिग पए, ते महते बहुते गलताने गलतान होए रहे। इसे काम दे विच ही कदे उपर ते कदे हेठां। जेतक सिरजे देव दैतन, हां जिन्ने दुनिया दे उपर अकाल पुरख जी ने देवते ते दैत सिरजे मैंने प्रगट करना कीते। दत्तात्रेय गोरख यत जंदम, दत्तात्रेय प्रगट होया, उन्हें सन्यासियां दा मत चलाया, 24 गुरु ने धारण कीते। गोरख जी होए उन्हां तों सिद्ध मार्ग चलिया, 6 जती होए ने। ते जंदम गुरु खालसा जी जंगमां दा नाम है,
दुनिया के उपर जंगम हुए हैं, इन्होंने भी अपना गुरु खालसा जी मत चलाया है। तो जंदम मैंने फतेह देन वाला जो गोरख होया है, ये दत्तात्रेय जती तो जो सन्यासी मार्ग चलिया है, ये भी दुनिया के उपर मार्ग चले हैं। सब अपना वैभव संपदा कर, ये सारो सारे ही आपो अपनी वैभव समग्री ते संपत्ति करके ओदे विच ही उलझे रहे हैं। हर ते इतर भए मद मंदम, मत मंदम मंदी मत मंदी मत वाले हरी तो इधर ही होए रहे, हरी दे चरणा कमला नाल ना जुड़ सके। इतर इड़ी सियारी तत्ता ते रारा पूरा, इतर इस तरीके नाल पाठ कर लेना जी। तब प्रभु गुरु नानक को पठाए, हाँ जदों गुरु खालसा जी दुनिया दे उपर किसे ने सच्चे मार्ग दे नाल ना जोड़िया दुनिया नू, ता अकाल पुरख परमेश्वर ने विचारिया कि दुनिया दे उपर हुण सानू जाना पैना है। गुरु नानक दा सरगुण स्वरूप अकाल पुरख परमेश्वर निराकार ने तैयार किया, फिर गुरु नानक देव जी नु दुनिया ते भेजिया अपने सरगुण स्वरूप नु। गुरु नानक जग माहे पठाया, सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। धरती दी फरियाद नु सुन करके गुरु नानक साहब जी नु जगत विच भेजिया, जाओ जा करके सच्चा मार्ग दिखाओ। निराकार ने सरगुण दे नाल जो विचार कीती ओ भाई नंद लाल साहब जी ने गंजनामे ग्रंथ दे विच अति सुंदर लिखी है। जिवें निराकार ने सरगुण स्वरूप गुरु नानक साहब जी नू प्रेरित किया, गुरु खालसा जी राम जी 14 कला होए ने, श्री कृष्ण जी 16 कला होए ने, ते गुरु नानक साहब जी अनंत कला होए ने। बाणी च लिखिया 16 कला सपूर्ण फलिया, अनंत कला होए ठाकुर चढ़िया। जदों गुरु खालसा जी 16 कला दियां भी बाहां खड़ियां हो गईयां, उदों गुरु नानक साहब जी बेअंत शक्तियां लै करके दुनिया दे उपर आए। सच्चे पातशाह जी कहंदे गुरु नानक साहब नूं धरती ते भेजिया, जगत उधारन पावन संगम। हां, धरती दा उधार करन वास्ते ते साध संगत रूपी त्रिबेणी बनाउन वास्ते पवित्र ऐसी साध संगत जिथे इतिहास गुरबाणी ते रहत दी कथा चलती है। गुरु खालसा जी ये गंगा जमुना ते सुरस्ती दा संगम जानो, ऐसा साध संगत रूपी संगम तैयार करन लई, पावन पवित्र करन लई, दुनिया नू जगत दा उधार करन लई भेजना कीता सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह जी। उदाहरण नन्ने नू अंकड़ है, ये क्रियावाची है, क्रियावाची शब्द दे अखीर दे जां ते सियारी लगती जां अंकड़ लगती है, ये भी विद्वानां दा मत है। फारसी मुताबक जाने जावे जगत उदाहरण ओ पावन संगम, संगम मैंने साध संगत रूपी संगम तैयार करन लई अते जगत नू पावन करन लई ते जगत दा उधार करन लई उदारत अते आवेगा। गुरु नानक साहब जी नू धरती दे उपर भेजना कीता, सतनाम मम जगत दृढ़ावो, जाके सतनाम श्री वाहिगुरु ऐसा जगत नू मेरे वालों दृढ़ावो, मैंने दृढ़ करौना करो। सतनाम मम जगत दृढ़ आवो, जाओ दुनिया दे उपर दुनिया दिया लोगां नू जगत विच जाके जो मेरा सच्चा नाम वाहिगुरु है ये दृढ़ करा के ते फिर मेरे पास चल के आ जाओ। तो गुरु खालसा जी संप्रदावां दे विच इहदा अर्थ इदां भी करदे ने, सत नाम मम जगत दृढ़ावो, जो सच्चा नाम वाहिगुरु है ये दृढ़ावो जगत नू ਤਾਂ ਕਿ ਜਗਤ ਮਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਯਾਮ ਜਗਾਤ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਖੰਦਮ, ਹਾਂ ਜੋ ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਗਾਤ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਬਚ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਤੁਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ
धर्म की पुरी नू धर्मराजे की पुरी नू ते रस्ते विच बड़ा बिखड़ा पांदे आउंदा है, बिखड़े घाट आउंदे ने, कदे गुरु खालसा जी धुप्पे तोरदे ने, जे जीव कहिंदा पानी दिओ कहिंदे पुन्न दिओ, तली गर्म करो, जिवें गुरु खालसा जी आम जिहड़े पहरेदार ने ओह तली गर्म कराउंदे ने, सरकार दे जिहड़े पहरेदार ने ते ओह तली गर्म कर दिओ ते सारा कुछ माफ हो जाता है। इदां ही जिहड़े जम ने ओह भी तली गर्म कराउंदे ने, ओह कहिंदे पानी तां देवांगे तली गर्म कर भई पहलां पहलां कुछ दे, ओह कहिंदा पैसे ते मेरे कोल नहीं, धन दौलत पिछे छड्ड आया, कहिंदे पुन्ना दी दौलत हैगी आ पुन्न दे, ਉਹ ਪੁੰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਰਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਐਸੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਏ ਉਹਦੀ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਆਪ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਛਾਨਣੀ ਛਾਨਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਲੀ ਗਰਮ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਤਰਨੀ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਉੱਬਲਦੇ ਹੋਏ ਗਰਮ ਐਸੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਨਦੀ, ਗੰਦਗੀ ਉੱਬਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੇੜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇੜੇ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਅ ਕੇ ਨਗਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਲੀ ਗਰਮ ਕਰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਬੂਟੇ, ਜਮਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤਲੀ ਗਰਮ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਸਕਣ। ਜਮ ਜਾ ਗਾਤ ਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਖੰਦਮ, ਰਖੰਦਮ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਭ ਆਗਿਆ ਕਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਕਉ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੇ। ਆਗਿਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸੀ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਕੋ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਤਾਰ ਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਤ ਰੁਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰੁਚੇ ਰੁਚੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਵ ਤਰੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਹਾਜ ਚੜ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਹਨ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਨਾਮ, ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਾਮ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣਾਧਾਰੀ ਜੀਵ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਰ ਕੀਓ, ਹਾਂ ਚੜ ਕਰਕੇ ਤਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਧੁਰੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਗੋ ਪਦ ਵੱਤ ਤਰਗੇ, ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਗੋ ਪਦ ਗੋ ਖੁਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਗੋ ਖੁਰ ਟੱਪ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ। ਸਤਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਧਾਰ ਹੀਓ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਪੱਕਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਜਪਿਆ ਉਹ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਤਰ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਤੁਰ ਦਸ਼ਕ ਇੱਕ, ਇਹ 14 ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 3164 ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ,
सत संगत सिखियन प्रत दीना। वाहे वाहे प्रभ सिवत सलाहन गुरु कृपाल कृपा बहुकीना, सत संगत प्रत दान देवायो वाहे गुरु पद बिमल सुखीना। सिख मराल नाम प्रभ मुक्ता गुरदा तार दान हर दीना। ये सच्चे पातशाह जी अगे हुण पावन कृपा करनगे। कल दी कथा विच महाराज अपने साहबजादियां नूं भी चेते करनगे, अपने खालसे नूं भी चेते करनगे। सो गुरु खालसा जी सच्चे पातशाह जी की कृपा दे नाल होई पर चुक दी खिमा महाराज ने कृपा करके ये कथा करवाई है। सतगुरु की कृपा नाल बख्शिश हजूर, अगे महाराज कहणगे भी जो भी मैं कह रहा ये हजूर की बख्शिश नाल ही है। तो बहुत भुलां गलतियां हो जांदियां ने क्योंकि बाणी जिहड़ी ये अगम अगाध है, इहदा अंत नहीं कोई पा सकिया। समुंदर विच गुरु खालसा जी मच्छियां आनंद माण सकदियां ने पर समुंदर की गहराई ते उहदा आर पार नहीं माप सकदियां। इवें सिख बाणी का आनंद माण सकते ने, अंत नहीं किसी ने पाया। होई भुल चुक दी खिमा जी। सतगुर चरण जहाज चढ़ प्राणी शब्द निरंजन पार कियो पाव सागर गो पद वत तर गे सतनाम दृढ़ धारियो चतर दशक एक। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।